हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसका हमारा पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो आइए देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेल मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम कह सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली होता क्या है? देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सपोज ये हमारा सेल है ना, ये यहाँ पे उसका न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो बाहर का जो आउटर कवरिंग है ना, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो वो हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या दी है, दे कीप टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ अ सेल। ऑब्वियसली अगर आप कंसिडर कर लो, ये हमारा रूम है ये, और ये जो हमारी दीवार है ना, ये हमें बाहर के, सपोज बाहर एक व्हीकल जा रहा है जिसमें से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो ये जो हमारी दीवार है, ये इस पोल्यूशन की एयर को अंदर नहीं आने देगी। सेम वाइज ये जो सेल है ना, इसके बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे अंदर आने से रोकेगा। सिमिलरली वो अच्छे सब्सटेंस को अंदर भी आने देगा, लेकिन जो टॉक्सिक है वो उसे अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि उसे कंसिडर करते आता है। सेकेंड क्या है, दे कंटेन रिसेप्टर, क्योंकि इसमें रिसेप्टर होते हैं इसलिए वो टॉक्सिक सब्सटेंस को पहचान सकते हैं। एंड अलो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया, उन्होंने बोला गया स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो होना चाहिए, बट कैसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, सच एज आयंस होंगे, यूजफुल आयंस, बाद में न्यूट्रिएंट्स होंगे, वेस्ट जिसे वो आइडेंटिफाई कर सकता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है जिसको वो अंदर आने दे सकता है, बाद में क्या दिया, सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज टू पास बिटवीन ऑर्गेनिक्स एंड बिटवीन द सेल एंड आउटसाइड एनवायरमेंट। आउटसाइड एनवायरमेंट और सेल के बीच में वो एक ब्लॉकेज की तरह बने रहे। दे सेपरेट वाइटल बट इनकम्पेटेबल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड कंडक्ट विद इन द ऑर्गेनिल्स। यानी कि वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ ऑर्गेनिल्स के अंदर ही हो, इसी तरह से वो उसे कवर अप करके रहता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बना किससे होगा? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनता है या लिपिड से होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी लेयर होती है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल भी होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स भी हम कह सकते हैं उसे। यहाँ पे एक मैंने नोट दी है कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, क्योंकि जब हम डिफरेंस देखते हैं ना प्लांट और एनिमल सेल का, तो हमें मोस्टली बताया जाता है कि मेन डिफरेंस है जो सेल वॉल है। सेल वॉल प्लांट में एब्सेंट है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। इट शोज प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। देखिए, मैं आपको फिगर बताता हूँ सेल मेम्ब्रेन की। तो देखिए, ये है टिपिकल सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम, जिसे हम कह सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर लेयर से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन। देखिए, मैं आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका एक कंपार्टमेंट हमने ले लिया है, जो कि ये कंपार्टमेंट फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है जैसे हमने डिस्कस किया, ये वाला प्रोटीन से बनाया हुआ है जो कि आयंस और उन सब की एंट्री के ऊपर ध्यान देगा। तो ये थ्री लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थ्री लेयर्स होती है, आइदर बाय कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, यहाँ पे जैसे हमने देखा इन सब की लेयर्स बनी हुई होती है जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बनता है। इसीलिए वो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसे भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है कि उसे कौन से सब्सटेंस को या कौन से एंजाइम्स को अंदर आने देना चाहिए और कौन से इसको नहीं। ये थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, एकदम मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम दूसरे सेल ऑर्गेनाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनिक्स के बारे में,